गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कल हमने क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमें एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ था, उसकी सहायता से हम अन्य पांच त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कर रहे थे। अब जो अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें त्रिकोणमितीय फलन के साथ विभिन्न कोण दिए हुए हमने, वो तो उन कोणों पर क्या करना है, त्रिकोणमितीय फलनों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो आपको बताया हुआ है जब डिग्री में कोण दिया हो तो उसको क्या करो, बड़ी साइज का कोण यानी ज्यादा बड़ा कोण हो तो उसको 0 से 90 डिग्री के बीच में लाओ, छोटा बनाओ उसको और फिर उसका मान ज्ञात करो चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। अगर पाई के रूप में दिया हो, पाई भी डिग्री आपका होता है, उसमें बड़ा रूप हो तो पाई के रूप में उसको क्या करो, छोटा बनाओ पाई के गुणनखंड रूप में, और छोटा कोण है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में बनाओ और छोटे वाले कोण के साथ ले हो और उसके साथ AST से चिन्ह बनाओ और उसका मान ज्ञात कर लो। अब पाई वाले जो कोण दिए हैं अपने, जैसे 15π/4 है, 19π/4 है, 11π/3 है, इन कोणों में तो हम पाई के गुणज बनाएंगे, जैसे 2π+θ या 3π+θ या 7π+θ इस प्रकार से बना लेंगे। और जो डिग्री में अपने को दिए हुए हैं वो बनाएंगे 180 डिग्री का गुणज। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री गुना कितना है, जैसे 2 × 180 डिग्री है या 3 × 180 डिग्री है, उसके साथ में आपका आ जाएगा थीटा। तो अपने को 180 की टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो अपन लिख लेते हैं 180 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, 900 डिग्री, 80 डिग्री, 1260 डिग्री, 1440 डिग्री, 1620 डिग्री, 1800 डिग्री। ये लो अब चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया अपने को साइन 765 डिग्री। अब इसको छोटा बनाएंगे तो 765 डिग्री किसके नजदीक है, 720 के नजदीक है। 720 कितना है, 180 कितने से गुणा करें तब 720 आता है, देखो 1 2 3 4 चार से गुणा करेंगे तब, तो इसको हम लिख देंगे साइन 4 × 180 डिग्री प्लस, फिर 720 हुआ अभी तो अपना होना कितना चाहिए, 765 होना चाहिए, तो कमी कितने की रही, 45 की रही, तो हम 45 क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे। अब 180 का तो पाई का गुणज हो गया, तो साइन साइन में रहेगा, छोटे बड़े कोण के साथ आ जाएगा, तो साइन 45 डिग्री हो गया। अब बात करते हैं चिन्ह की, हम पता करेंगे कि भाई ये कोण 765 डिग्री है वो कौन से चतुर्थांश में है, उस चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है वो पता करेंगे। तो ASTC रूल हो गया, तो हमें चलना कितना है 4 × 180 डिग्री, 180 का तो पाई यानी 4π चल रहा है, तो 1π 2 3 ये 4π हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद प्लस का डेटा है, प्लस का डेटा है मतलब ऊपर चलना है, तो प्रथम चतुर्थांश हो गया, प्रथम में साइन क्या होता है आपका धनात्मक होता है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो साइन 765 डिग्री बराबर साइन 45 का मान होता है 1/√2 और यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है, बस 180 डिग्री का गुणज बनाओ, प्लस थीटा है या माइनस थीटा है वो बनाओ, छोटे वाले कोण के साथ देखो AST रूल से चिन्ह देखो कि कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, चिन्ह इसका क्या हो रहा है, फिर मान ज्ञात कर लो। अब सातवा दिया हुआ अपने को कोसेक −1410 डिग्री बराबर, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो यहां कोसेक के अंदर माइनस है, तो इस माइनस का क्या होगा, तो माइनस के लिए आपको बताया हुआ है कि एक तो साइन के अंदर माइनस अक्षर है और एक कोस के अंदर माइनस का एक्स आ जाए, तो साइन वाला माइनस तो आ जाएगा बाहर और कोस वाला माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब इसी की सहायता से बाकी सबके माइनस का पता कर लो, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin माइनस का एक्स, तो यहाँ साइन से माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1/-माइनस का साइन एक्स यानी आपका −1/sin x और 1/sin x क्या हो गया कोसेक एक्स। ये लो अगर कोसेक एक्स के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, इसका मतलब यहाँ माइनस आपका बाहर आ जाएगा, ये हो गया कोसेक 1410 डिग्री। अब हम क्या करते हैं 1410 डिग्री को 180 डिग्री के गुणा में तोड़ते हैं, तो 1410 डिग्री है वो कौन से नजदीक है, देखो 1410 डिग्री नजदीक है 1440 के, 30 डिग्री का डिफरेंस है केवल,
1440 से। अब ये कितना है, 180 को कितने से गुणा करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 से गुणा करें तब बनता है। तो आपका यहाँ आ जाएगा माइनस का कोसेक 8 × 180 डिग्री। उसके बाद में देखो यहाँ 1440 डिग्री बना है अपना, ये 1440 डिग्री है, अपने को चाहिए 1410 डिग्री। तो देखो ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, 30 डिग्री ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री यहाँ से घटा देंगे। तो ये 30 डिग्री हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अब ये माइनस तो आपका पहले से कोसेक है, वो छोटे वाले कोण के साथ आ जाएगा, क्योंकि आपका 180 का गुणज है, देखो 8 × 180। तो यहाँ आ गया आपका कोसेक 30 डिग्री। अब इस कोण की वजह से चिन्ह धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है वो भी पता करना पड़ेगा। तो अपना 1410 डिग्री है, 1410 डिग्री चतुर्थांश में कहाँ पहुंचेगा, तो देखो 8 × 180 डिग्री। तो पहले 8 चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पहुंच गए। अब 8π माइनस कम है, यानी इसी तरह कम है, कम है माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ पहुंच गए, यहाँ आपका चौथा चतुर्थांश है। और चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो इसका मतलब कोसेक ऋणात्मक होगा, ये यहाँ क्या आएगा, माइनस का आएगा। ये माइनस का आपका है वो तो इस माइनस इसकी वजह से बाहर आ गया, और ये माइनस है वो कोण का छोटा किया तब आया। तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और यहाँ हो गया आपका कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का उल्टा। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का उल्टा कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपका कोसेक माइनस 1410 डिग्री बराबर 2, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, और क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, 8 अपने को दिया हुआ 10 × 19π/3 बराबर। अब हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम इसी को पाई है पाई का बना लेंगे। कैसे बनाएंगे कि 19 पाई को ऐसा तोड़ेंगे कि 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 10 हमने इसको तोड़ दिया 18π + π/3 ये हो गया। अब इसमें भाग दे देंगे तो 10 × 18 = 6π प्लस पाई बटा 3 हो गया। अब 6π प्लस थीटा है, तो 10 तो है आपका छोटे कोण के साथ आ जाएगा। अब यहाँ धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा वो बताएगा आपका ये कोण। तो पता करते हैं 6π है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1π 2π 3π 4π 5π 6π प्लस थीटा, यानी यहाँ है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में सारे क्या होते हैं आपके धनात्मक होते हैं। अब पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में 3 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री, यानी ये 10 60 डिग्री है। और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है बता देते हैं आपको, 19π/3 10 60 का मान होता है √3, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यानी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक चाहे कितना ही हो उसका भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते आगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको दिया हुआ है साइन −11π/3। तो देखो साइन के अंदर माइनस है, तभी बताया था आपको कि साइन के अंदर जो माइनस है वो बाहर आ जाता है। तो ये आ गया आपका माइनस का साइन 11π/3 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको छोटा बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, माइनस साइन 11 के नजदीक 3 का भाग चला जाएगा, 11 के नजदीक 2 है, एक तो है आपका 9 में तो 2π बचता है, 9π + 2π, और एक है 12 में हो जाएगा 12 − 1π, तो 12 में भाग जा रहा है और 9 में भी भाग जा रहा है। तो हमें कौन सा बनाना है, हमें वो बनाना है जो सबसे ज्यादा नजदीक है, सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, 12π वाला है। इसको बनाएंगे हम 12π माइनस का पाई बटा 3। अब अलग अलग भाग देंगे, तो माइनस का साइन इसे भाग दिया तो 4π - π/3। अब
पाई का गुणा जो माइनस, तो ये इसकी वजह से आ गया, और साइन और छोटे बड़े कोण के साथ आ जाएगा, तो साइन पाई बाई थ्री। अब बात करते हैं चिन्ह की, तो पता करते हैं चतुर्थांश कौन सा है, तो चार पाई, तो एक पाई, दो पाई, तीन पाई और चार पाई, ये चार पाई होगा। अब चार पाई माइनस कुछ है तो इसका मतलब वापस पीछे हो थोड़ा सा, ये चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थांश आपका चौथा, और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, कोस और सेक है वो धनात्मक होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, इसलिए ये भी आपका ऋणात्मक हो जाएगा, तो माइनस, ये माइनस तो पहले से चल रहा है आपका, और ये माइनस जब इस कोण को छोटा किया तब आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया साइन पाई बटा तीन। अब पाई बटा तीन का मतलब होता है 60 डिग्री, अगर अपने को सीधा पता नहीं हो इसका मतलब 60 डिग्री होता है, तो आपको पाई का पता है, पाई का बराबर होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में तीन का भाग देंगे तो 60 बार जाएगा, तो 60 डिग्री हो गया, तो साइन 60 का मान होता है रूट तीन बटा दो, तो ये हो गया रूट तीन बटा दो, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे, अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, माइनस 15 पाई बटा 4, आपके जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखो कोर्ट के अंदर माइनस आ गया, तो ये माइनस भार आएगा या नहीं आएगा वो पता करते हैं। देखो कोर्ट माइनस एक्स बराबर होता है कोस माइनस का एक्स बटा साइन माइनस का एक्स, तो कोस के अंदर तो माइनस क्या होता है गायब हो जाता है, तो यहां तो कोस एक्स आएगा, और साइन से क्या होता है माइनस बाहर निकल जाता है, ये साइन एक्स आ गया। अब माइनस तो आपका रह गया कोस बटा साइन, क्या बन गया कोट बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि कोट माइनस एक्स हो तो माइनस का कोट एक्स हो जाता है, यानी कोट में से माइनस बाहर निकल जाता है, तो यहां क्या होगा माइनस बाहर आ जाएगा आपका, तो माइनस बाहर आ गया, ये हो गया कोट 45 पाई बटा 4। अब 45 है बटा में आपका 15 पाई बटा 4, 15 पाई बटा 4 है, तो 15 पाई के नजदीक ऐसा कोई बनाओ जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 15 के नजदीक दो हो गए, एक तो हो गया आपका 12 पाई, एक हो गया आपका 16 पाई, तो 15 के नजदीक 16 पाई है इसलिए हम 16 पाई लेंगे, तो यहां आ जाएगा आपका माइनस का कोट 16 पाई माइनस पाई बटा 4, तो माइनस कोट अलग भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई माइनस पाई बाई 4 आ गया, अब कोट है वो छोटे वाले कोण के साथ आ जाएगा, तो ये आ गया। अब इस कोण की वजह से यहाँ चिन्ह माइनस आएगा या प्लस का आएगा वो और देखते हैं, 4 पाई है यहाँ, 4 पाई है देखो, तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये 4 पाई, फिर माइनस, तो माइनस है इसका मतलब वापस पीछे की तरफ आओ, तो ये हो गया आपका चौथा चतुर्थांश, और चौथे में कोस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं, तो कोट है आपका ये ऋणात्मक होगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये माइनस तो चल रहा है आपका ये अंदर वाला भार है वो, और ये माइनस आ गया जब कोण को छोटा किया वो, तो ये आ गया आपका कोट 45, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो कोट माइनस का 15 पाई बटा 4 बराबर कोट 45 का मान होता है 1, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.2 है वो सारी कंप्लीट हो गई।